हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो स्पार्क 20 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ना स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट अगर स्लो चलता है तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। इसके लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे सिस्टम पर टैप करना है, यहाँ पर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर आपको रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे टैप करना है, ठीक है। तो आपको जो है ना, इसे टैप करेंगे तो अगले पेज में आप ये तीन सेटिंग देख रहे हैं ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाएगी। आपको नीचे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अभी से रीसेट सेटिंग पे दोबारा टैप करना है, आपको थोड़ी देर में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, ये देखिए नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। अभी से ऐप में नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है, यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे सिस्टम पे टैप करना है, यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है, इसे कंटिन्यू करना है। तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको नीचे सिस्टम पर टैप करना है, यहाँ पर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर आप टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।